अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 की कंटिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट्स कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 6-7 तक हमने कर लिया था, आज हम इसके आखिरी दो पार्ट्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 आपकी बुक में, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 8b² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p², यानी ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर भी सेम टर्म है विद प्लस साइन के साथ, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेट करेंगे। पहले लेट कर लेंगे और उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी दिखाएं। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8b² इज इक्वल टू a एंड एक्स स्क्वायर माइनस p² इज इक्वल टू b। अब हमारी इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद आ जाएगी अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी, यानी वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और डिनोमिनेटर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे ऊपर और फिर इसी न्यूमरेटर में से इस डिनोमिनेटर को लेस कर देंगे नीचे। सो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यानी ये न्यूमरेटर आ गया और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम ले लिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लेंगे। सो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे ही करेंगे 1+3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1-3। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी फिर प्लस अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी एज इट इज आ गया, नीचे आ गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, फिर ये माइनस की जैसे अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी। अब ये देखें, ये अंडर रूट बी माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए, ठीक है, और नीचे अंडर रूट ए और ये अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -2 अंडर रूट बी और राइट साइड पे आ गया 3+1 4 और 1-3 -2। अब इसकी कटिंग कर दें तो 2 2 4 और 2 1 2, तो यानी -2 बच जाएगा। ये देखें, अब ये 2 अंडर रूट ए ओवर -2 अंडर रूट बी था, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया और इधर आ गया हमारे पास 2-1, ये -- से कैंसिल हो गया या -- प्लस हो गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखें 1 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट ए आ जाएगा और फिर 2 टाइम्स अंडर रूट बी करेंगे तो 2 अंडर रूट बी आ जाएगा। अब स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो अंडर रूट ए का स्क्वेयर लें, अंडर रूट ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट बी का होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा इधर से भी और ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा और 2 का स्क्वेयर होता है 4, सो a इज इक्वल टू 4 भी आ गया। अब a और b की वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, a की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर प्लस 8b² और b की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस p². सो वैल्यूज पुट कर दें, अब इसको एक्सपेंड कर लें, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 8b² इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स p². अब एक्स स्क्वायर जो है वो लेफ्ट पे कर लें, ये देखें 4x² इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 8p² पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² इज इक्वल टू माइनस 4p² पहले इधर था और ये 8p² इधर आके माइनस 8p² हो गया। सो एक्स 1-4 करेंगे तो -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12p² हो जाएगा, क्योंकि -4 और -8 को ऐड किया तो -12p² आ जाएगा। अब ये -- से कैंसिल हो गया और पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो आ जाएगा 12p² डिवाइडेड बाय 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि -- पहले यहीं पे पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 3 3 4 12, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p². अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और इसी तरह 4p² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये p² यानी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 4 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आ जाएगा +-2p। तो ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 7। अब लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, अगेन देखें बिल्कुल वैसे ही है, x+5³ - x-3³, इसको a लेट कर लेंगे इसको b, तो ये हो जाएगा a³ - b³, क्योंकि बीच में माइनस का साइन था और नीचे प्लस था, तो a³ + b³ इज इक्वल टू 13/14 यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी या थ्योरम। अब अगेन ये हमारा न्यूमरेटर है a³ - b³, इसमें ऐड कर देंगे a³ + b³ जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक हो गया। इसी तरह अब नीचे जब आएंगे
तो न्यूमरेटर में से यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से डिनोमिनेटर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम माइनस कर देंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, और यही काम हम इसकी राइट साइड पे करेंगे। ऊपर लिखेंगे 13 प्लस 14 और नीचे लिखेंगे 13 माइनस 14। अब इसको एक्सपेंड कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर आ जाएगा, और नीचे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें ए क्यूब एज इट इज़ आ गया, माइनस बी क्यूब भी एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जगह माइनस ए क्यूब और ये जगह माइनस बी क्यूब। अब देखें ऊपर जो पॉजिटिव बी क्यूब है ये इस बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे वाला ए क्यूब इस नेगेटिव ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 13 प्लस 14 यानी 27 और 13 माइनस 14 माइनस 1। अब ऊपर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ए क्यूब और नीचे आ गया माइनस 2 टाइम्स बी क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर माइनस 1। अब ये 2 से कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 बी क्यूब आ गया। अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, सो ए क्यूब का क्यूब रूट लेंगे इज इक्वल टू 27 बी क्यूब का क्यूब रूट लेंगे। तो ये देखें ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगी हमारे पास ए, और यहाँ से 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा 3, और ये बी क्यूब यानी क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू 3b। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, ए की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 5 और बी की थी हमारे पास x माइनस 3, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सो ए इज इक्वल टू 3b में ए की जगह आ गया x प्लस 5 और बी की जगह बी की जगह आ गया x माइनस 3। अब इसको एक्सपेंड कर दें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इस x को उठा के लेफ्ट पे ले आए, यानी ये आके इधर नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। सो x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 5, सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14, सो x इज इक्वल टू 7 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कर देता हूँ कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू 14 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए हैं, पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 8 तक हमने सारे कंप्लीट किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो लोग वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कोई कमेंट बॉक्स में चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।